तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तलाम मुस्तफा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आज का जो वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले चंद अहम बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारी मेहनत ही उस कारोबार को हमेशा बड़ा करती है। कोई भी कारोबार जब शुरू होता है तो उस वक्त हमेशा हर बंदे का कारोबार छोटा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उस कारोबार में जब उस बंदे की मेहनत शामिल होती चली जाती है तो वो कारोबार तरक्की करता करता बड़ा कारोबार बन जाता है। इस तरह आपने दुनिया में कहीं भी किसी भी बड़े कारोबार की अगर आप मिसालें देखेंगे तो आपको कोई भी कारोबार ऐसा नहीं होगा जो अचानक ही बड़ा कारोबार शुरू हुआ हो। आपने जहां कहीं भी देखा होगा हमेशा यही देखा होगा कि हमेशा जो कारोबार की बुनियाद रखी गई थी बहुत ही छोटे पैमाने से रखी गई थी और वो कारोबार आज तरक्की करता करता बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला गया है। इसलिए मैं आप लोगों से यही बात हमेशा शेयर करता रहता हूं कि किसी भी काम को करने में आर ना समझो, किसी भी काम को करने में अपनी शान के खिलाफ ना समझो, कोई भी काम करने में आप ये ना हर समझो कि इसमें मेरी बेइज्जती है, ये कोई नहीं होती। हमेशा रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की जात है। अगर आप कोई काम शुरू करने लगे हो तो अल्लाह का नाम लेकर उस कारोबार में अपना स्टेप लीजिए और एक कामयाब इंसान बन के निकलिए। कामयाब इंसान तभी बनता है जब उसके कारोबार में मेहनत शामिल होती है। बगैर मेहनत के कोई कारोबार नहीं होता, कोई काम काम नहीं होता और ना ही उसमें किसी किस्म की तरक्की के चांसेस होते हैं। अब मैं आप लोग साथ एक बहुत ही मुख्तसर सा बिजनेस आइडिया शेयर करने लगा हूँ जो 3,000 से 5,000, जिस तरह मैंने लिखा 3,000 से 5,000 इन्वेस्ट करके आप डेली के 300-400 रुपए आसानी के साथ कमा सकते हैं, वो भी अगर आप पार्ट टाइम करना चाहें। अगर फुल टाइम करना चाहते हैं, किसी मसरूफ जगह पर करना चाहते हैं तो वहां पर आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो शुरू करता हूं आज का अपना मुकम्मल बिजनेस आइडिया। आज मैं बात करने लगा हूं आप लोगों के पास, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, अगर आप स्टूडेंट हजरात हैं या अगर आप पार्ट टाइम ये काम करना चाहते हैं तो आपको लेना होगा एक वेट स्केल। जी हाँ, वेट स्केल मतलब जिस पर हम आम रूटीन में अपना वजन करते हैं। ये मशीन आपको 3,000 से 5,000 में अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी। इससे सस्ती भी है मशीनें, लेकिन अगर आप प्रॉपर तौर पर काम करना चाहते हैं कि ऐसी ना हो कि ज्यादा वजन पे वो खराब हो जाए, तो आप 3,000 से 5,000 की रेंज में एक वेट स्केल लीजिए। उसको लेकर किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का फैमिलीज का आना जाना लगा रहता हो, जहां पर स्टूडेंट ज्यादा होते हो, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर बैठ जाइए, किसी कॉलेज के बाहर बैठ जाइए, किसी बड़े शॉपिंग प्लाजा के बाहर बैठ जाइए, वहां पर बैठ जाइए और मशीन रख लीजिए। अपने फिर बंदा जो चार्ज करना है वो 20 रुपए आम रूटीन में जो चल रहा है 20 रुपए चार्ज करने हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पर हाई प्रोफाइल लोगों का आना जाना ज्यादा लगा हुआ है, यहाँ पर अमीर लोगों की या फैमिलीज का आना ज्यादा होता है, वहां पर आप इसके चार्जेस 30 रुपए तक भी कर सकते हैं। अगर वहां पर अगर आप डेली के 20 से 30 बंदे भी अगर आप चेक करते हैं तो आप 600-400-300 रुपए आराम से कमा लेते हैं, क्योंकि गाहक और मौत का पता नहीं होता कि कब आ जाए। कब किसी दिन कम भी आ सकते हैं, किसी दिन ज्यादा भी आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर भी आप बैठे हैं, वहां पर अगर आप अपने जहरी हालत पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो आप इससे ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप उजड़े हुए बने बैठ जाएं, जैसे कि मैले कुचले कपड़ों में कंघी ना दी हुई हो, आपके बाल बिखरे हुए हो, तो तब आप के काफी बुरा इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पर और बहुत कम लोग आपके पास आएंगे। अगर आप साफ सुथरे होकर बैठते हैं, एक अच्छे कपड़े पहनकर बैठते हैं तो यकीनन लोगों का आपकी तरफ रुझान ज्यादा आएगा, क्योंकि एक साफ सुथरा बंदा जब अपने रिस्क हिलाल कमाने के लिए बैठता है तो अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डाल देता है, क्योंकि सफाई हमारा निस्त ईमान है, हमारे ईमान का आधा हिस्सा सफाई है। इसलिए अपनी सफाई पर खासी तवज्जो देनी है, एक डिसेंट तरीके से आपने बैठना है, जो गाहक आने हैं उनसे अच्छे तरीके में आपने बात करनी है, आप देखने में गुड लुकिंग दिखने चाहिए। ये तो था आज मुकम्मल तफसील के साथ एक बहुत ही मुख्तसर बिजनेस आइडिया। अगर आपके पास चंद हजार है, ये कारोबार आप अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ और करते हैं तो आप सेकेंड टाइम भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, अपना जेब खर्च पूरा करना चाहते हैं तो तब भी आप ये काम कर सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो तब भी आप ये काम कर सकते हैं। आपने किसी काम में आर महसूस नहीं करना, इंशाल्लाह आपको उस काम में तरक्की होगी। हमेशा आपने देखा होगा जो काम सबसे बुरा समझा जाता है उसी काम में ही सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। जिस काम में सबसे ज्यादा हाथ काले या गंदे होते हैं उसी काम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए आपने अल्लाह का नाम लेकर अपना कारोबार शुरू करना है और अल्लाह ताला से ही अच्छे की उम्मीद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। रखिएगा दुआ में याद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।